बरही बगेहा ग्राम के ग्रामीणों ने गांव की बिजली समस्या को लेकर नंदावन पावर हाउस में प्रदर्शन कर बिजली पूर्ति की मांग की। गांव के ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि लगभग एक साल से लाइट की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। गांव में सबसे बड़ी समस्या वोल्टेज की है और कम समय के लिए गांव में लाइट दी जा रही है। गांव की लाइट अधिकांश बंद रहती है, जिस वजह से स्कूली बच्चे पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं। लाइट नहीं रहने से हमें पानी की भी समस्या बनी रहती है। कई बार विभाग ने यहाँ के ट्रांसफार्मर बदले भी हैं और कुछ दिनों के बाद समस्या जस की तस हो जाती है। अब तो ये आलम है कि लाइट बराबर नहीं मिलने से लोगों में MPB के प्रति आक्रोश भरा हुआ है। जब इस विषय पर कटनी SE से बात की तो उन्होंने तत्काल AE के मोर से बात कर बगेहा के ग्रामवासियों की समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों की समस्या को लेकर विजय राघवगढ़ विधानसभा प्रभारी नीरज सिंह ने कटनी SE से बात कर गांव में पर्याप्त बिजली देने की बात की। केवल बिजरागढ़ में पानी नहीं गिरा है और हर जगह ट्रांसफार्मर जले हुए 8-8, 6-6 महीने से। खेतौली से शिकायत, बड़ा गांव से शिकायत, बड़ा महंग में शिकायत, कुटिया महंग में शिकायत, डीगी से, कुटासर से, बंजारी से, हर गांव से शिकायत आती है। अब वहाँ यही को बोलते हैं, हाँ कर रहे हैं, बोले ट्रांसफार्मर नहीं है। इसलिए हम सब लोग आज अरोरा साहब, SE साहब के पास आए थे कि आप बता दीजिए, नहीं तो लोग बंद कर दे खेती करना और घरों की भी बिजली 25 का ट्रांसफार्मर है ना 100 के है। तो इन्होंने क्या आश्वासन दिया? अरोरा साहब ने कहा है कि एक हफ्ते के अंदर हम सभी ठीक कर देंगे, जहां पात्र होंगे वहां हम लगा देंगे। और अगर मान लो चालू नहीं होता, नहीं हुआ तो जबरदस्त आंदोलन बिजली के खिलाफ होने वाला है। पूरा घेराव करेंगे MPB। क्या नाम है आपका? नीरज सिंह बघेल, मैं विधानसभा का प्रभारी हूँ कांग्रेस। कटनी से प्रवीण कुमार पाशर की रिपोर्ट।